हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत दर्ज करने के लिए हर कोशिश कर रही हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो इस वक्त देश में बीजेपी की एक और लहर देखने को मिल रही है। इसी बीच बीजेपी ने गुरुग्राम से सुधीर सिंगला पर विश्वास जताया है। हरियाणा में चुनावी रण चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी जीत हासिल करने के लिए हर कोशिश कर रही है। इसी बीच बीजेपी ने लहर में गुरुग्राम से सुधीर सिंगला पर विश्वास जताया है और उन्हें चुनावी रण में उतारा है। चुनावी रण में उतरने के बाद सुधीर सिंगला ने जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है, जिसके तहत वो हर रोज गाँव-गाँव जाकर लोगों को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में सुधीर सिंगला ने आज अपने दौरों की शुरुआत हरियाणा में चुनावी रण साउथ सिटी से की और लोगों को बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई। यहां पर सुधीर सिंगला के साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपी चंद्र गहलोत भी नजर आए। ये अपार जन समर्थन मिल रहा है, 3-3 घंटे लेट भी पहुंच पा रहा हूं मैं, उसमें गलती भी मान रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी 300-500 लोग इंतजार कर रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी को चाह रहे हैं सुनने के लिए, क्योंकि उनका मन बना हुआ है भाजपा को वोट देने के लिए। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह फतह हासिल करती है या नहीं। खबर अभी तक के लिए गुरुग्राम से सुनील यादव की रिपोर्ट।